हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MR टेक्नोदे में। दोस्तों, अगर आप भी GB व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ऐसे में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी पर्सन की चैट को हाइड कर देते हैं, हाइड करने के बाद दोस्तों नॉर्मली हम जो यहाँ पर ऊपर व्हाट्सएप लिखा हुआ शो रहा है उस पर क्लिक करके हाइड चैट को ओपन करके किसी के साथ भी चैट करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी पर्सन की चैट को हाइड कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर जो टॉप पर हेडर, चाहे आपका नाम हो या फिर यहाँ पर जो व्हाट्सएप लिखा हुआ शो रहा है उस पर आप कितनी भी बार क्लिक करते हो, फिर भी वहाँ पर जो आपने चैट किसी की हाइड कर रखी तो वो ओपन नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं किसी पर्सन की चैट को हाइड कर देता हूँ, तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं हाइड चैट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पिन सेट कर देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है, और यहाँ से मैं इस वाली चैट को यहाँ से हाइड चैट पर क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो कि यहाँ से उस पर्सन की चैट हाइड हो चुकी है। इसके बाद मैं एक चैट को और यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिन डाल के एक चैट को और हाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे GB व्हाट्सएप पर मैंने 2 चैट को हाइड कर दिया। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऊपर जो व्हाट्सएप लिखा हुआ शो रहा है उस पर क्लिक करके किसी भी पर्सन की चैट को यहाँ से अनहाइड करके उसके साथ चैट करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर कितनी भी बार क्लिक करते हैं लेकिन किसी भी पर्सन की चैट यहाँ से ओपन नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों किस तरीके से आप इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, तो दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको GB सेटिंग में चले जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडर में चले जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, डिसेबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सएप। तो दोस्तों अगर आप अपने GB व्हाट्सएप में इस वाली सेटिंग को यहाँ से अनेबल रखते हो, तो दोस्तों अगर आप किसी पर्सन की चैट को हाइड करते हो, उसके बाद दोस्तों अगर आप उस चैट को अनहाइड करने के लिए कितनी बार जो हेडर में GB व्हाट्सएप लिखा हुआ शो होता है, या फिर आपने अगर अपना नेम वहाँ पर शो करवा रखा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना नेम वहाँ पर शो करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट माई नेम का, तो जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन को अनेबल कर देते हो तो हेडर में आपका नेम यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी पर्सन की चैट को हाइड करते हो, उसके बाद दोस्तों आप अगर टॉप पर जो हेडर में GB व्हाट्सएप लिखा हुआ शो रहा है उसको कितनी बार क्लिक करते हो लेकिन दोस्तों हाइड चैट ओपन नहीं हो रही है, तो आपको नॉर्मली इस वाली सेटिंग को यहाँ से डिसेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक चले जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिन या फिर पैटर्न डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने जो पिन सेट किया था वो मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने 2 पर्सन की चैट को यहाँ पर जो हाइड कर रखा है। दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी पैटर्न या पिन सेट कर रखा है वो यहाँ पर डाल लेना, तो आपने जिन जिन पर्सन की चैट को हाइड कर रखा है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और आप यहाँ से नॉर्मली क्लिक करके जो है चैट कर सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से अगर आपके GB व्हाट्सएप में हाइड चैट ओपन नहीं हो रही तो आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपको इस तरह की प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल MR टेक्नोदेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।